हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बसबी। तो आज मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वाटर किंगडम का मेरा एक व्लॉग, जो मैं रिसेंटली अभी बोरीवली गई थी वाटर किंगडम। तो मैंने सोचा इसका व्लॉग बनाया जाए। सो हम लोग यहाँ गए थे फेरी से, हमने अपना ओन व्हीकल जो है वो नहीं ऑप्ट किया। फेरी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू विजिट दिस प्लेस इफ़ यू स्टे नियर बाय। तो ये सबसे बेस्ट प्लेस था, तो इसलिए हम लोगों ने ये ऑप्ट किया। एंड फेरी से इट टेक्स यू लाइक 15 मिनट्स में, विद इन 15 मिनट्स आप जो है पहुँच जाते हो आराम से। एंड बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ही फिजिबल है। एंड दे विल चार्ज यू 100 रुपीज़ पर पर्सन आने जाने दोनों का। आपको फेरी टिकट रखनी है पूरे टाइम अपने पास में। एंड दिस इज वॉज द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग। तो आप यहाँ से जा सकते हैं, अदर देन दैट बसेस भी चलती है बोरीवली स्टेशन से, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने खुद के ओन व्हीकल से भी आ सकते हैं, पार्किंग भी है यहाँ पे। तो दैट इज़ नॉट द ऑप्शन, दैट वॉज नॉट द प्रॉब्लम। द थिंग इज़ दैट अगर आप जा रहे हो और ये कन्वीनियंट वे है, ईजिएस्ट वे है वहाँ पहुँचने का, तो मुझे लगता है हमको वही ऑप्ट करना चाहिए। तो हम लोगों जो है विद इन 15 मिनट्स वी रीच दिस प्लेस। और यहाँ पे आपको पगोडा टेम्पल और बर्ड पार्क जाने के लिए भी ये सेम ही फेरी ऑप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको गुस्से के साथ ऐसा बड़ा सा बोर्ड दिख जाता है एसएल वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम का, बट एसएल वर्ल्ड अभी क्लोज है, कुछ स्पेसिफिक डेज में ओपन है। और बाकी एसएल वर्ल्ड अभी क्लोज है एंड वाटर किंगडम इज़ देयर, तो आप वाटर किंगडम इन्जॉय कर सकते हैं, जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ घुसते के साथ आपको एक ऑफलाइन काउंटर दिखता है, टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लाइक कोई पर्टिकुलर ऑफर है या कुछ आपके पास है, तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इट एंड यू कैन बाय द टिकट्स ऑनलाइन। बट अगर आपके पास ऐसे स्पेसिफिक कोई ऑफर्स नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन गो देयर। और यहाँ पे 1250 का आपको टिकट लेना है। हम गए थे वीकडेज पे, तो ट्राई कम देयर इन वीकडेज एंड अवॉइड ऑन वीकेंड्स, बिकॉज वीकेंड्स में बहुत भीड़ होगी। यहाँ वीकडे में काफ़ी रश था, हमको दिखा था, और वीकेंड में तो वी कैन डेफिनेटली इमेजिन। एंड अगर आपके बच्चे की हाइट 3'3" के बिलो है, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट अगर उससे अबव है, तो यू हैव टू पे 100 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। एंड घुसते के साथ आपको ऐसे काफ़ी सारी ईटरीज मिल जाती हैं खाने के लिए। और ये फर्स्ट पॉइंट्स के बाद हमें सेकंड पॉइंट पे जाना था। और आपको ऐसे काफ़ी सारे रेंटेड शॉप्स दिख जाते हैं, जहाँ पे आप रेंट भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं स्टफ़ जो भी आपको नीडेड होगा। अगर पानी में आपको जाना है, तो ओबियसली यू नीड सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं, जो प्रॉपर आपके पानी के लिए जो क्लोथ्स रहते हैं, वो यू कैन बाय और यू कैन रेंट देम। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया नेक्स्ट एक ट्रेन, जो आपको 5 मिनट्स में जो है लास्ट ट्रेन का एंट्रेंस है वाटर किंगडम का, वहाँ पहुँचाता है। तो बेसिकली हमको उतना चलना नहीं पड़ा एंड लाइक वी वर फाइन। एंड बहुत धूप होने के बाद भी, बट हमें इतनी गर्मी नहीं लगी, तो इट वाज फाइन। एंड समर्स में दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई थिंक यू कैन विजिट। तो यहाँ आप 5 मिनट्स के बाद आप पहुँच जाते हो। आप सलवार कमीज में तो नहीं उतरोगी ना, वहाँ पे लिखा हुआ है मिलेगा उधर रेंट पे। इनका कोई भरोसा नहीं है, ये उतर भी सकती है। मैंने कहा इसमें मत उतर जाना, मैं यही बोल रही थी। आफ्टर 5 मिनट जो सेकेंड एंट्रेंस है वो दिख रहा है आपको, मेरे राइट हैंड साइड पे स्ट्रेट आप जाओगे तो ऑनलाइन इसका काउंटर है। ये क्यू लगी है अंदर एंट्री के लिए, जहाँ पर टिकट्स दिखानी है। अगर आप आउटसाइड फूड लेके आ रहे हो, तो आपको यहीं सबमिट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ये है लॉकर रूम, दिस इज़ द होल मैप ऑफ द वाटर किंगडम। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है लॉकर रूम में अपने सारा स्टफ रख के, एंड आप एक पाउच ले सकते हैं जिसमें आप अपना फ़ोन कैरी कर सकते हैं, मैंने वही किया था। एंड आई वाज कैरिंग द पाउच, ताकि मैं पानी में भी जाऊँ या हल्का पानी भी गिरे, तो वो मेरा फ़ोन जो है वो बचा रहे। तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 150। अगर आप खुद का लेके आओगे, तो दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। और 300 रुपीज़ जो है आपको, सॉरी 200 रुपीज़ आपको लॉकर का देना पड़ता है, और शायद कुछ सिक्योरिटी जो है वो देना पड़ता है। मतलब 200 रुपीज़ आपको बेसिकली लॉकर का रहता है, 200 रुपये आपको लॉकर के लिए देने हैं। और काफ़ी हाइजेनिक है, अच्छे से मेनटेन्ड है, वेल मेनटेन्ड है, ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट हाँ इट वॉज़ गुड। और ये दोनों साइड में आपको ईटरीज दिखते थे, ये सामने मेरे जो आप देख रहे हो दैट इज़ वेव पूल। ये हम लोगों ने ये पूरा जो है वाटर किंगडम घूमने के बाद, काफ़ी सारी राइड्स लेने के बाद, यहाँ पे हम वापस फिर से आए थे।
इस व्लॉग में मैंने मोस्टली जो है राइड्स जो बच्चों के लिए जो ज़्यादा कन्वीनियंट है उसको कवर किया है इंस्टेड ऑफ एडल्ट राइड्स. यू हैव एनी नंबर ऑफ एडल्ट राइड्स तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड एक्सप्लोर इट. ठीक है, आप देख सकते हो. एंड इवन मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी हमारे साथ गई थी, तो शी ऑल्सो डिड मोस्ट ऑफ द राइड्स आई वुड से एडल्ट राइड्स. तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इतना प्रॉब्लम होगा या डरने का कुछ है. तो दैट वॉज द थिंग आई जस्ट वॉन्टेड टू मैंशन. तो अभी तो वेव पूल इज़ नॉर्मल. हम लोग इवनिंग में जब यहाँ आए थे तो काफ़ी लाउड म्यूजिक था एंड प्रॉपर वेव्स वर देयर, तो काफ़ी हमने इन्जॉय किया. एंड डू वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड. एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे और यूज़फुल लगे. एंड ये व्लॉग जो है बेसिकली मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आप लोगों के साथ कि वाटर किंगडम अभी एग्जैक्टली कैसा है एंड हाउ इज़ द वेदर एंड एवरीथिंग. क्या क्या आपको चीज़ें मिल जाती हैं, नहीं मिल जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं. एंड इन केस यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू वाटर किंगडम देन डेफिनेटली यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. तो यहाँ हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया एंड देन वी थॉट कि यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वी शुड गो एंड मूव टू अदर राइड्स. तो आगे जाते ही हमको ऐसे छोटा सा ना जकूजी सॉर्ट ऑफ स्टफ देखा और लोग वहाँ बैठे हुए थे. और इधर मेरे राइट हैंड साइड पे आपको जो है अगर फ़िश पेडिक्योर करवाना है तो यू कैन गो फॉर इट. दैट विल कॉस्ट यू 100 rupees फॉर 15 minutes. ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़ी बहुत फिशेस थी और लोगों ने अपने पैरों को डिप करके लोग बेसिकली वहाँ बैठे हुए थे. एंड ये सामने था, दिस वॉज द होल एरिया. ये जो पूरा एरिया था दिस वॉज लाइक इसमें हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए कुछ था. लाइक इसमें बड़े बड़े बच्चों के लिए नहीं, बट आई वुड से छोटे बच्चे से लेके एंड मतलब लाइक बीच के बच्चे एंड इवन एडल्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और काफ़ी रश था यहाँ पे. एंड यहाँ पे हमने भी बहुत टाइम स्पेंड किया और बहुत ज़्यादा डीप नहीं था तो इट वाज मेंट फॉर एवरीबॉडी. तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे. तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस थी जहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया. एंड यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स थी स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, जिसमें छोटे बच्चे भी जो है लाइक 2 years इवन 1.5 years के भी दे कैन लाइक इन्जॉय. ठीक है, यहाँ पे सेपरेट ऐसे छोटा सा पूल सेक्शन भी था जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है स्विम कर रहे थे जिसकी लाइक डेप्थ वॉज मोर. तो यहाँ पे ऑल इन ऑल सारे लोगों के लिए जो है चीज़ें थी. इसके बाद मैं आप लोगों को और आगे दिखाऊँगी कि और आगे हमने क्या क्या किया. तो ये नेक्स्ट जो थी ये भी एक फैमिली राइड टाइप हमने की. ये भी बहुत अच्छा लगा था, पीसफुल एक्सपीरियंस था एंड इट वाज वेरी रिलैक्सिंग. तो ऐसे ऐसे ट्यूब्स थी, डबल सीटर एंड सिंगल सीटर. तो इसमें एक में मैं और मम्मी बैठे थे और एक में उत्कर्ष विद सर्श बैठे थे एंड वी जस्ट हैव टू ड्रैग आवर सेल्फ टू द अदर साइड. और यहाँ पे भी काफ़ी इन्जॉय किया और ये बस फ्लोट कर रहे थे बेसिकली हम लोग उस पर बैठ के एंड इट वॉज ऑल्सो अ कामिंग एक्सपीरियंस. तो आप अपने फैमिली के साथ ये राइड भी इन्जॉय कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू कैन डेफिनेटली लाइक दिस राइड. इफ़ यू आर अ लाइक फैमिली पर्सन तो आपको डेफिनेटली ये राइड पसंद आएगी. इसके बाद हम नेक्स्ट और आगे गए तो हमें और स्लाइड्स मिली. थोड़ी ये बड़े बच्चों के हिसाब से थी ये वाली स्लाइड्स. एंड इसके बाद जो है ना सारी एडल्ट जो राइड्स हैं या एडल्ट जो भी स्लाइड्स हैं वो सब शुरू हो जाती है. तो वी ऑल्सो डिड फ्यू लाइक स्लाइड्स हमने ट्यूब के साथ किया विद वेरी लाइक हाइट के साथ हमने किया एंड इट वाज लाइक वेरी चिलिंग एक्सपीरियंस आई वुड से. थोड़ा एडवेंचरस था, अच्छा था. तो हमने टर्न बाई टर्न किया वो भी. एंड इसके आगे जो है ये छोटे छोटे स्लाइड्स और भी बच्चों के लिए थे. यहाँ पर भी सर्च ने काफ़ी इन्जॉय किया. इसके बाद यहाँ इन्जॉय करने के बाद वी वेंट टू लाइक अदर प्लेसेस ऑल्सो. इसके बाद हम लोगों को काफ़ी भूख लग गई थी तो वी थॉट ऑफ हैविंग लंच.
तो हमने ये महाराजा थालियाँ ऑर्डर की थी एंड टू माई सरप्राइज इट वॉज रियली डिलीशियस और बहुत ही अच्छा खाना था, वेज महाराजा थाली थी। इसके साथ हमने जो है पिज़्ज़ा और एक चीज़ डोसा भी ऑर्डर किया था, बट हम तीनों को जो है लाइक इंक्लूडिंग सर्च, हमको ये महाराजा थाली बहुत अच्छी लगी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर ऑप्टिंग दिस थाली। इसके बाद खाना खाने के बाद अगेन वी वेंट टू द प्रीवियस प्लेस जहाँ पे हमने स्लाइड्स वगैरह इंजॉय किए थे। इसके बाद हम लोग और आगे गए और इसके बाद हमने काफ़ी सारी जो है एडल्ट राइड्स भी करी, तो इसमें मैं सिर्फ अपने हस्बैंड का ये शूट कर पाई, बाकी मैं ये राइड का जो है हमने भी, मैंने और मम्मी ने भी एक्सपीरियंस किया बट इसको हम शूट नहीं कर पाए। और इसके बाद फिर वापस से जो है सर्च बैक टू जो उसने पहले सेकंड जो पूल सेक्शन था और राइड्स का सेक्शन था छोटे बच्चों का, फिर वो हमको वापस से वहाँ लेके गया एंड ऑल इन ऑल आर एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग और हमने काफ़ी इन्जॉय किया एंड यू कैन डेफिनेटली गो देयर। और हमने काफ़ी सारी स्लाइड्स की, इवन कुछ स्लाइड्स कैरी थी जो मेरे हस्बैंड ने भी की, इवन मेरे मदर इन लॉ ने भी की and but we enjoyed a lot and that was my experience regarding this water kingdom और I hope कि आपको ये vlog अच्छा लगा हो and useful लगा हो। if you find this vlog useful and if you liked it then don't forget to like, share and subscribe my channel and I'll meet you in my next video। till then bye bye, take care and thanks for watching।